Assalamoalykum friends, welcome to my channel Mehnaz Kitchen. कैसे हैं आप सब लोग? Friends, आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल हेल्दी रिफ्रेशिंग एंड चिल्ड मिल्कशेक्स। आज के वीडियो में मैंने दो तरीके के मिल्कशेक्स बनाए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना मिल्कशेक और इसमें हम थोड़े से जो डेट्स यानी खजूर भी मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाएं, बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज सबसे पहले आपको देखने को मिले। फ्रेंड्स, बनाना शेक बनाने के लिए हमने एक बनाना लिया है और ये हमने खजूर लिए हैं। खजूर मैंने लाइट ब्राउन कलर के लिए हैं और जब एक ग्लास बनाना मिल्क शेक बनाए और उसमें खजूर डाले तो दो या तीन ही खजूर हमें यूज करने हैं। तो खजूर को जो है हमने ऐसे दो पीसेज में कर लिया है और उसके बीच में से गुठली निकाल ली है। सबसे पहले एक ब्लेंडर लेंगे और ब्लेंडर में खजूर डालेंगे। दो से तीन टीस्पून के करीब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे क्योंकि बनाना और खजूर दोनों ही बहुत मीठे होते हैं। फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। देखिए, थोड़ा सा दूध मिक्स करेंगे हम इसमें, 1 टेबल स्पून के करीब दूध मिक्स करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब यहां पर हम बनाना के छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे, थोड़ी सी इसमें आइस डालेंगे। ये हम जो है एक ग्लास के करीब बना रहे हैं मिल्क शेक, तो इसमें थोड़ा दूध और डालेंगे, एंड कर लेंगे। देखिए, हमारा जो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है बनानास और डेट्स। अब इसे हम ग्लास में पोर कर लेते हैं। देखिए कितना इजी है बनाना और डेट्स का मिक्स करके शेक बनाना। इसे गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ते और काजू से। ये काफी हेल्दी और एनर्जेटिक ड्रिंक है रमजानों के लिए और रोजों में इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम दूसरा शेक बनाते हैं। एप्पल शेक बनाने के लिए हमने यहाँ एक एप्पल लिया है, उसको रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम जो है ब्लेंडर में डालेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें 1/4 टीस्पून इलायची डालेंगे, 2 से 3 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और शुगर को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काजू ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिस्ता ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे इसमें हम। इसको पहले ब्लेंड करेंगे। देखिए एप्पल अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा आइस और 1 ग्लास दूध। अब इसको थोड़ा और चला लेंगे। तो देखिए हमारा एप्पल मिल्क शेक एकदम से रेडी है। इसको पोर कर लेते हैं ग्लास में। देखिए दोनों शेक्स बनाना कितना इजी है। बनाना मिल्क शेक बनाया था इससे पहले हमने और अब एप्पल शेक बनाया। दोनों ही शेक्स बहुत हेल्दी एनर्जेटिक है और बनाने में बहुत इजी है। थोड़ा इसको गार्निश कर देते हैं पिस्ते से, थोड़ा काजू। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हमारे दोनों मिल्क शेक्स जो है एकदम से रेडी हैं और इसको आप इजीली बना सकते हैं। इसको आप इफ्तार के टाइम बना सकते हैं या टी टाइम भी इसको बना सकते हैं जब चाय का मन ना करे, क्योंकि बनाने में बहुत इजी हैं और एनर्जेटिक ड्रिंक है। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।